हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पेंट्री में आप सबको स्वागत है। आज मैं सूजी आलू से बना हुआ एक स्नैक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजीली ये बन जाता है और खाने में बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। सूजी आलू के स्नैक्स बनाने के लिए कढ़ाई में ले लिया तेल। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा ऐड कर देना है साबुत जीरा राय। जैसे ही जीरा राय चटकना शुरू होगा ऐड कर देना है फाइनली चॉप किया हुआ अदरक, ग्रीन चिली, करी पत्ता, फाइनली चॉप किया हुआ प्याज। हल्का सा सब कुछ सॉटे कर लिया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कूटा हुआ काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा भून लिया, सॉटे कर लिया। अभी मैं इसमें ऐड कर दिया एक कटोरी भर के बारीक वाला सूजी। पहले सूजी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हल्का सा भून लेना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। जिस कटोरी से मेजर करके सूजी लिया था सेम कटोरी से 1.5 कटोरी यानी 1.5 कटोरी भर के मैंने पानी ले लिया। पानी बहुत जल्दी सूजी में ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे ही पानी पूरा सोख हो जाएगा सूजी में ऐड कर देना है बॉयल किया हुआ आलू। आलू को पहले से मैं बॉयल करके रखा था। सूजी के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही एक डो फॉर्म में आ जाएगा उसे एक परात में निकाल लेना है। हल्का सा ठंडा होने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया मैदा। मैदा ऐड करने से एक एक्स्ट्रा क्रंचीनेस आता है बाहर से और एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाता है। मेरा चॉप किया हुआ धनिया रह गया था, धनिया ऐड कर दिया। फिर इसमें से छोटा छोटा इस तरह से पोर्शन काट के पहले बॉल बना लिया और आर पार छेद करके डोनट जैसा इस तरह से बना लिया। तो मुझे जितना स्नैक्स बनाना था मैंने बना लिया। तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया फ्लेम मीडियम पे कर दिया और एक एक करके आलू सूजी के स्नैक्स डिप कर दिया। पहले 2 से 3 मिनट बिल्कुल करछी नहीं लगाया। जैसे ही हल्का सा नीचे से फ्राई होना शुरू हुआ धीरे धीरे साइड मैंने चेंज कर दिया। इस तरह से बार बार हमें साइड चेंज करना है। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन करके हम फ्राई कर लेंगे, मीडियम आँच पे फ्राई करेंगे। शेप हम कोई भी दे सकते हैं पर इस तरह से शेप देने से थोड़ा डिफरेंट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, दोनों साइड चेक कर लिया। अभी इसे निकाल लेते हैं। बहुत इजीली बन जाता है, घर में पड़े हुए सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है एंड सबसे ऊपर बहुत ही टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।